बाल और स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है पपीता, लेकिन आप जानते हैं इसका इस्तेमाल कैसे करना है? चलिए आज आपको जीवन आयुर्वेदा में यही बताएंगे। देख रहे हैं आप मेरे साथ ये वीडियो, आखिर तक बने रहे इस वीडियो में। मेरा नाम है मेघा, स्वागत करती हूँ आप सभी का इस वीडियो में। कुछ फल और सब्जियाँ प्राकृतिक तत्वों से भरपूर होती हैं, ये हमारी स्किन और बालों को बहुत हेल्प पहुंचाती हैं। पपीता भी एक ऐसा ही सुपर फूड है जिसका सेवन हर मौसम में किया जा सकता है। ये पेट के लिए अच्छा होता है, आसानी से पच जाता है, साथ साथ ये सौंदर्य लाभ भी देता है। ये ना सिर्फ एक टेस्टी फ्रूट होता है बल्कि इसके अंदर विटामिन ए सी भरपूर मात्रा में होते हैं। रोज पपीता खाने से आपको आंखों से संबंधित बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। अगर कच्चा पपीता नहीं खाया जाता तो आप इस फल से गूदा भी निकाल सकते हैं। पपीते में मौजूद लाइकोपिन स्किन और बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। कैसे इसका इस्तेमाल करना है, इसके फायदे क्या हैं, चलिए जान लेते हैं। बात कर लेते हैं पहले स्किन के लिए पपीता। पपीता आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें पेपेन और काइमोपेन जैसे प्रोटियोलेटिक एंजाइम्स होते हैं। इसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी वायरल गुण होते हैं। ये झाइयों को कम करता है। पपीता खाने का सबसे ज्यादा लाभ होता है आपके पिगमेंटेशन पर। अगर किसी को अपने चेहरे से कोई बहुत पुराने निशान साफ करने हैं तो उसके लिए आप पपीता खा सकते हैं। ये जादुई फल है जो आपकी स्किन को गोरा कर देता है और दाग धब्बे पिगमेंटेशन हटा देता है, पोषण करता है। पपीता स्किन में निखार लाता है क्योंकि एक आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। ये विटामिन ए और पेपेन एंजाइम का समृद्ध स्रोत है। ये स्किन से मरी हुई कोशिकाओं को हटा देता है और उन्हें प्रोटीन से भर देता है। एक आधा पपीता ब्लेंड करें, इसमें 3 चम्मच शहद मिलाकर एक मिश्रण बना लें। अब इसे अपने चेहरे पर लगाएं, गर्दन पर लगा सकते हैं। करीब 20 मिनट के लिए ऐसा छोड़ दें और फिर ठंडे पानी से धो लें। यह आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, उसे हाइड्रेट रखेगा। पपीते में पेपेन और काइमोपेन होते हैं जो स्किन की सूजन को कम करते हैं। साथ ही ये आपके फेस से दानों को हटा देते हैं, साथ ही मुहासे हटा देते हैं, उनके दाग धब्बे भी हटा देते हैं। ये मुहासों को रोकता ही नहीं है, उनका इलाज भी कर देता है। अब बात कर लेते हैं बालों के लिए पपीता कैसे फायदेमंद है। चाहे बाल झड़ रहे हैं, क्षतिग्रस्त हो गए हैं, डैंड्रफ हो गया है, 2 मुहे हो गए हैं, सूख गए हैं, बेजान से हो गए हैं, तो ऐसे में आप पपीता जरूर इस्तेमाल करें। बालों को बढ़ाता है ये। बालों के विकास में आप पपीते का एक टुकड़ा रोज खा सकते हैं और स्कैल्प पे लगा भी सकते हैं। पपीते के अंदर कई सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो गंजेपन को भी रोकते हैं। अगर आप बालों की लंबाई बढ़ाना चाहते हैं तब भी आप हो सके तो रोज पपीते का एक स्लाइस जरूर खाएं। डैंड्रफ का इलाज करता है। पपीते से बना होममेड हेयर मास्क लगाने से रूसी और पपड़ीदार स्कैल्प का इलाज हो जाता है। इस हेयर मास्क को बनाने के लिए आप एक कच्चा पपीता लें, उसके बीज निकालकर अलग कर दें। अब जो गूदा बचा है उसे एक कटोरे में लें, इसमें दही मिला दें, अच्छे से मिक्स करें। कम से कम 20 से 30 मिनट के लिए अपने बालों पर, अपने स्कैल्प पर इसे लगा लें। उसके बाद ठंडे पानी से सर धो लें। ये प्राकृतिक कंडीशनर के रूप में भी काम करता है। पपीते में बहुत सारे विटामिन, खनिज और एंजाइम्स होते हैं। ये कंडीशनर की भूमिका भी बहुत अच्छे से निभाता है। पपीता हेयर मास्क का उपयोग करने के बाद आप देखेंगे कि आपके बाल चिकने, चमकदार और मुलायम हो गए हैं। आपको बस पपीते का एक टुकड़ा पीसना है, उसमें दही और नारियल का तेल मिलाकर एक मिश्रण बना लेना है। इसे आप आधा घंटे अपने बालों पर लगाएं, बाद में पानी से धो लें। दोस्तों, इन चीज़ों के कोई नुकसान नहीं होते, हालांकि इनका असर दिखाने में थोड़ा वक्त जरूर लगता है, तो आप उस दौरान अपने पेशेंस को मेंटेन रखें। जीवन आयुर्वेदा देख रहे थे आप, नमस्कार।